मल रिश्ते दिल के नाते बिखरे हैं क्यों एक छत के तले सारे पल जुदा हो गए जाने वो कहाँ खो गए है सभी कुछ जिंदगी नहीं जिंदगी मुझे कबूल है वो मुझ पर इतना भरोसा करती है कि मेरी खातिर कुछ भी करने को तैयार है जायदाद तो पहले ही उसने अपने नाम करवा लिया है अब वो मेरे साथ अपना घर छोड़कर भाग चलने पर भी रजामंद है मिशाल बेटा आपको हमजा के साथ शादी निभाना पड़ेगी हम अपनी अना अपने खानदान की इज्जत को सबसे ज्यादा मुकद्दम समझते हैं आप अपने आंसुओं के जरिए अपना दुख दर्द बता सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता औलाद माँ बाप के साथ चाहे कैसा भी सलूक करे उनको दुख दे तकलीफ पहुंचाए लेकिन माँ बाप उन्हें अपनी खुशियों में कभी नहीं भूलते माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यार रूप निकला है भाई ये सब हमारे दूल्हा भाई की मोहब्बत का असर है अरे लड़कियों अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो अरे भाई जाओ बारात आने वाली है सारे इंतजाम देखो चलो शाबाश चलो चलो तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा तुम भी उन लड़कियों में शामिल हो जाओ जाके देखो माशाल्लाह मेरी बेटी पर कितना रूप आए सच से कल की बात लगती है जब तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारा रिश्ता हमजा के साथ तय किया था कितनी छोटी सी थी तू और वक्त कैसे पर लगा कर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता देखो आज तुम मेरे सामने दुल्हन बनी बैठी बेटा शादी के बाद लड़की पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं लेकिन तुम फिक्र मत करना मैं और तुम्हारे बाबा जान हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं बस अपने ससुराल में तुम एक अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनकर रहना दुनिया के सामने भी और खासकर राहिला के सामने किसी को भी हमारी तरबियत पर बात करने का या उंगली उठाने का मौका मत देना और मुझे यकीन है कि तुम मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरोगी आइए साहब हाँ
अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे छोटे भाई आई 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 बैठे बैठे तो शुरू की शुक्रिया भाई साहब। वो काई साहब भी आ गए हैं, मेरे ख्याल से निकाह की रस्म शुरू कीजिए। हाँ हम ऐसा करते हैं, फातिमा से कह के मिशाल को बुला रही। फातिमा इधर आइए, जाइए जाके जरा मिशाल को ले आइए। मिशाल मिशाल बेटा कहाँ हो तुम? मिशाल बेटा जवाब तो दो। कहाँ चली गई है? सब खैरियत तो है? मिशाल को आने में इतनी देर? भाई खवातीन है, हो जाता है, मेकअप वेकअप में देर हो गई होगी। जी जी। कुलसुम। जी भाई साहब। इधर आओ। भी जाके देखे आओ मिशाल अभी तक क्यों नहीं आई है, अभी तक बहुत देर हो गई। जी भाई साहब। काफी देर से गई हुई है फातिमा, जाओ जल्दी देख के आओ, इंतजार कर रहे हैं। आप रो क्यों रही हैं? भाभी आप कुछ बताएं तो सही, आखिर आप क्यों रो रही हैं? विशाल कहाँ है भाभी? विशाल विशाल चली गई, मैंने उसको सारे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। भाभी विशाल नहीं है, कहाँ जा सकती है? मुझे तो बहुत बेचैनी सी हो रही है, आप प्लीज खुद जाके देख लें एक दफा। हाँ हम देख के आते। अम्मी वो मानी जान क्या हुआ है, आप लोग रो क्यों रहे? बेटा मिशाल क्या हुआ है? मिशाल को कहाँ है वो? जारा मिशाल नहीं है घर में, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं अम्मी आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मिशाल मिशाल की शादी है आज, वो ऐसे कैसे जा सकती है कहीं? हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसने, शादी वाले दिन शादी का जोड़ा पहन के घर से भाग गई है। मैं हाशिम को क्या जवाब दूंगी? लोगों का मेहमानों का कैसे सामना करूंगी? इससे तो अच्छा था वो हमें शहर देकर मार देती, मगर इसे घर छोड़ के ना जाती। भाई साहब जान आप
विशाल का है। हम पूछ रहे हैं विशाल का है? फातिमा, हम कुछ पूछ रहे हैं विशाल का है? हाशिम, विशाल विशाल घर छोड़ के चली गई है। मैंने उसे सारे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। क्या भाई साहब, बाहर मेहमान बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? जवाब दीजिए भाई साहब, आप खामोश क्यों खड़े? मामू जान, अम्मी, विशाल के कमरे से ये खत मिला है। सारा, बेटा क्या लिखा है खत में? क्या लिखा है हमजा, बताओ ना। विशाल ये शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो ये घर छोड़कर गई है। ये घर छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। मैं जानती हूँ मिशाल कहाँ गई, हमें फौरन चेरियार के घर जाना चाहिए। कौन चेरियार? वो मिशाल का क्लास फेलो था, मिशाल उसको बहुत पसंद करती थी। फातिमा, ज़रा क्या कह रही है? क्या आप जानती थी इस लड़के के बारे में? आपको पता था ये होने वाला है? हाँ, फातिमा, आप हमारी तरफ देख के बात कीजिए, आप शहजाद के बारे में जानती थी या नहीं? हाशिम, वो दरअसल हाँ या ना, हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ। इतना बड़ा धोखा, मिशाल हमारी आंखों के नीचे ये सब कुछ करती रही और आपने हमें बताया नहीं? हम क्या पूछे फातिमा, क्यों क्यों छुपाया आपने ये सब? हाशिम, मिशाल ने मुझसे वादा किया था कि वो शहरयार से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी और वो हमजा से शादी को तैयार हो गई थी। मैं जानती हूँ मिशाल ऐसा नहीं कर सकती, जरूर उस लड़के ने उसको बहकाया होगा। 2 साल की बच्ची नहीं है वो, कि उसको कोई वरगलाए, वो धोखा खा जाए, अपने खानदान का ख्याल ना रखे। ये सब गलती आपकी है, आपका कसूर है। मेरी गलती है? या, ये सिर्फ आपकी गलती है। अगर आपने उस पर नजर रखी होती, उसका कुछ ख्याल किया होता, तबीयत सही की होती, तो आज इतने नहीं रहना पड़ता मुझे। मामू जान, हमें मिशाल को वापस लेके आना चाहिए। मैं कहीं से शेरियार के घर का पता करवाती हूँ। हर किस नहीं, मिशाल ने इस घर की दहलीज से बाहर कदम रख के अपने लिए इस घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। मर गई है वो हमारे लिए, मर गई है। अब वो कभी इस घर में दोबारा वापस नहीं आ सकती। वो जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, जो भी कर रही है, अब वो उसके साथ ही रहे। हमारा उसे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अरे भाई, कुछ जाकर देखो, ये इतनी देर क्यों लग रही है? आखिर माजरा क्या है? यानी भाई साहब, आपकी बेटी अपनी शादी वाले दिन घर से भाग गई? अहिला, देखा हम सब,
मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी कि मशाल बिल्कुल एतबार के लायक नहीं है। मुझे तो शुरू से ही इसके चाल चलन ठीक नहीं लगते थे। देख लिया ना, पूरे खानदान के मुंह पर कालक थोप कर चली गई है। खामोश रहो रहीला। अब खास तौर पर तो भाई साहब आपकी तो इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपकी बेटी। खामोश रहो रहीला। यहां सब लोग परेशान हो। तुम जहर का निश्तर चुबा रही हो। क्यों क्यों ना चलाऊं नश्ते? ये सब वही लोग है ना जिन्होंने न जाने कैसे कैसे मेरी बेटी पर इल्जाम की बारिश की थी, उसकी मजबूरियों का अनदेखा करके कैसे कैसे तोहमतें लगाई थी मेरी बेटी पर। देख लिया ना आज आपने, ये है मेरे खुदा का इंसाफ। हाय लगी है मेरी बेटी की इन सबको। न जाने क्या हुआ है, खुदा खैर करे। पहले दुल्हन बाहर नहीं आ रही थी और अब दुल्हा और बाकी लोग भी गायब हैं। कुछ अजीब सा लग रहा है। वाकई बात तो अजीब सी है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ लेकिन? पता नहीं मगर महसूस तो हो रहा है कि कुछ हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपसे पूछती हूँ हाशिम रियाज साहब, आपकी बेटी अपनी शादी वाले दिन भाग गई, बाहर लोग मौजूद हैं, यहाँ मेरा बेटा दूल्हा बना खड़ा है, क्या जवाब है आपके पास? बोले है कोई जवाब? भाई साहब राहिला ठीक कह रही है, बाहर लोग बैठे हैं, हम किस किस को क्या जवाब देंगे? दुनिया थू-थू करेगी हम पर। ये क्या जवाब देंगे? इनकी बेटी ने इनको जवाब देने के काबिल ही कहाँ छोड़ा है? इन्होंने हमेशा हमारी तरबियत पर उंगली उठाई, हमेशा हमें नीचा दिखाया, हमेशा हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा। लेकिन देखा, आज अल्लाह ने हमारी तमाम बेबसी का बदला लिया है इनसे। आज इन्हें भी उसी कटहरे में लाके खड़ा कर दिया जहाँ हमेशा ये हमें मुजरिम बना के खड़ा करते थे। बस करो रायला, खुदा का वास्ता है बस करो, मेरा दिल फट जाएगा। क्यों फातिमा भाभी, आज सिर्फ इतनी सी बात सुनकर आपका दिल फट रहा है? और जब सारी जिंदगी आप लोगों ने हमारे साथ किया है, कभी आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया था कि हमारे दिल पर क्या गुजरती होगी? बस बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं एक बार यहाँ पे बल्कि मैं खुद ही बाहर जाकर सबको बताऊंगा कि यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही, सब अपने घर जाए। मम्मी और अब्बा चले अब यहाँ से, ना ही इन लोगों से अब कोई रिश्ता है हमारा और ना ही अब इस घर से कोई ताल्लुक। रुको हमजा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शादी आज ही होगी। हाशिम आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिशाल की गैर मौजूदगी में ये शादी कैसे हो सकती है? भाई साहब भाभी ठीक कह रही हैं, मिशाल की गैर मौजूदगी में शादी कैसे हो सकती? शादी आज ही होगी और अभी होगी। अरे क्या हुआ अगर एक बेटी ने हमारा सर पूरी दुनिया के सामने शर्म से झुका दिया? हमें यकीन है कि हमारी दूसरी बेटी हमारी इज्जत रखेगी। क्यों जाना बेटा? महमूद जान ये नामुमकिन है। हमारे पास इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, बस यही एक रास्ता है, अटल फैसला है हमारा, तुम्हारी शादी जारा से होगी। ये कैसे हो सकता है, मेरी और जारा की शादी? जी आपका कोई फैसला मंजूर नहीं है। अब हमजा बेटा प्लीज जिद मत करो, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो इस वक्त हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है। मगर अब्बा हमजा हमने तुम्हारी भी जिद मानी थी ना, मशाल से तुम्हारी शादी तय की थी, अब तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी, तुम्हें ये शादी करनी होगी। हमें आपका ये फैसला मंजूर है। जारा इस घर की इज्जत है, इसका फर्ज बनता है कि इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे। जाओ जाओ फातिमा, जाके जारा को दुल्हन बनाओ, ये फवाद की नहीं हमजा की दुल्हन बनेगी। मगर भाई साहब किसी हेल हुज्जत की जरूरत नहीं है, हमारा फैसला अटल है कुलसुम। जाओ जाके जारा को दुल्हन बनाओ, हमने इसे बाप की तरह पाला है,
किसी की कमी नहीं होने दी हमने, किसी चीज की कमी होने नहीं दी, हर चीज फराहम की हमने इसे। आज हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है तो इसको हमारी इज्जत बचानी पड़ेगी। बेटी बनके दिखाना होगा इसे, और कुलसुम तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और इस फैसले के साथ हमने एक और फैसला किया है, आज के बाद मिशाल का इस घर से, इस घर के हर फर्द से ताल्लुक खत्म। हर चीज से उसका ताल्लुक तोड़ दिया है हमने। मुझे कबूल है। क्यों अब्बा, मेरे साथ ही क्यों? मेरी मोहब्बत और खुलूस का ये सिला मिला है मुझे? इतना बड़ा धोखा। हाशिम, आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाएं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। धोखा दिया है आपने। आप क्या समझ रही थी, इतनी बड़ी बात आप हमसे छुपा लेगी? हो सकता है कि इस शादी को कबूल करने में उसे कुछ टाइम लगे। लेकिन बेटा, मेरी तुमसे एक गुजारिश, हमजा का साथ कभी मत छोड़। साए धरे हाथों में गम लेके चले, कोमल रिश्ते दिल के नाते बिखरे हैं क्यों एक छत के तले। सारे पल जुदा हो गए, जाने वो कहाँ खो गए। सभी कुछ यहाँ जिंदगी